लंकेश की ये दुर्दशा जो हो गई। हाँ महाकाल, मैं जानता हूं कि तुम मुझे इन अपशगुनों द्वारा डराना चाहते हो, क्योंकि मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे आगे हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है, इसीलिए तुम मेरी अवहेलना करना चाहते हो और राम का साथ देना चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई, मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वो शक्तियां देने के लिए विवश थे। जब भी कोई अपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। वही अवस्था मेरी है, शक्तियां पाई उन पर अहंकार किया और उस अहंकार को सहन नहीं कर सका, धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं, दूसरों पर अत्याचार भी किया है, इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। परंतु रावण उस दंड को उसी कर्म के साथ भोगेगा जिस कर्म के साथ उसने उन शक्तियों का भोग किया है। रावण मर जाएगा किंतु झुकेगा नहीं, झुकना तो मैंने तुम्हारे सामने भी नहीं सीखा। यदि सभी का कहना सत्य है और वह भगवान है तो मेरा वध करने में जितनी ख्याति उसकी होगी उतनी ख्याति तीनों लोकों में तीनों कालों में दीर्घ दिगंतर तक रावण की होगी। जहां राम का नाम लिया जाएगा वहां रावण का नाम भी लिया जाएगा। रावण मरकर भी अमर रहेगा लेकिन झुकेगा किसी के सामने नहीं। आज देखूंगा रावण के आंखों से निकलती हुई ज्वाला को वो राम किस प्रकार सहन करता है। किसी को भी पृथ्वी पर झुकने मात्र की जगह नहीं दूंगा, त्राहे त्राहे मचा दूंगा। रावण राम की हजार सेनाओं पर भारी है, फिर आकर तुम्हारे दर्शन करूंगा और ये सिद्ध करूंगा कि आज भी रावण का वही पराक्रम है जो इससे पूर्व था। आज राम को बचा सको तो बचा लो मेरे चंगुल से।